हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरफीओ। तो आज हम आपके लिए बहुत ही खास टिप्स लेकर आए हैं गिलोय। तो गिलोय के बारे में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से फ़ायदेमंद है। ये देखिए, गिलोय का प्लांट है, ये हमने लगाया हुआ है अपने छोटे से किचन गार्डन में। एक गिलोय का भी प्लांट है, तो यहाँ से दिखाते हैं हम आपको इसकी स्टेम। ये इसकी स्टेम, ये मोटी स्टेम, ये खासकर काम में आती है। जितनी पुरानी जितनी मोटी होगी उतनी ये फ़ायदेमंद है। और इसका पत्ता इस तरीके से होता है, ये पान के जैसा पत्ता होता है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी कड़वा होता है। तो ये पूरी ऐसे बेल के जैसे ऊपर चढ़ी हुई होती है, ये चढ़ी हुई है। अगर ये नीम पर चढ़ी हो तो और भी अच्छी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखिए इस तरीके से इसकी स्टेम ये पतली और मोटी होती है। तो ये मोटी हमारे बहुत काम की है। तो जब भी सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरीके का कुछ भी बुखार आ रहा है तो इसे हम पीते हैं। तो सोचा आप पत्ते के बारे में आपको बता दें कि इसका पत्ता कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है। ये बिल्कुल पान के जैसा, ये हरा भरा देखिए, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। मनी प्लांट और पान के जैसा ये पत्ता होता है, मिलता जुलता। पर इसके टेस्ट से हमें मालूम होता है कि ये पान का पत्ता नहीं है, ये गिलोय है। तो इसकी स्टेम का यूज़ कैसे करते हैं और किन किन चीज़ों के लिए करते हैं वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ये देखिए, इसकी स्टेम कट करके हम ले आए हैं और इसे कैसे बनाना है वो हम आपको बताते हैं। ऐसे तो गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये जब भी हमारे यहाँ किसी को होता है, हम सबसे पहले गिलोय देना ही उसे अच्छा समझते हैं। तो जब भी गले में हल्की सी खराश हो, सबसे पहले गिलोय सुबह शाम एक एक कप, एक गिलास पानी में से बॉईल करेंगे। सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऐसे तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, लेकिन ये आजकल जैसे फ्लू फैला हुआ है तो इसकी वजह से हम इसे आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट, पहले सबसे पहले कट कर लेंगे। ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े को हम ये संसी से इस तरीके से दबा के आधा आधा कर लेंगे। फिर हल्का हल्का किसी चीज़ से कूटे या फिर ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ताकि इसे इसका जूस खूब अच्छी तरीके से बाहर निकल आए। बस ये एक गिलास पानी है, इसमें इतना गिलोय डालेंगे, बस इतना काफ़ी है बॉईल करने के लिए। अब हम इसे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। गिलोय बॉईल होना भी शुरू होने वाला है, तब तक हम इसे ढक देते हैं। देखते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से उबल रहा है। अब इसे फ्लेम को कम कर देते हैं और इसे करीब 5 मिनट तक बॉयल होने देते हैं, फिर से ढक देते हैं। 5 मिनट हो चुका है, अब ये देखते हैं, देखिए कितनी अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है। अब ये एक कप रह गया है, इसे बंद करते हैं और इसे छन्नी से छानते हैं। छन्नी लेते हैं और इसे इसे छानते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इसका कलर से भी पता चल रहा है कि पूरा जूस निकल गया है। फुल 1 कप ये तैयार हुआ, ये काफ़ी है पीने के लिए। अब इसको हम अपने बेटे को देते हैं पीने के लिए। तो इसी तरीके से गिलोय का जूस बनाइए और जिसको सर्दी, खांसी, नज़ला उसे पिलाइए और हमें बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ।